अज़ा वजल फिल कुरान अल लो। मजीद की सूरतुल बकरा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून सदक़ल्लाहु अज़ीम रबी इश्राहली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। मोअज़्ज़िज़ सामईन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम। हाज़रीन इकराम, आज का ये दर्स जिसका उन्वान ज़कात और इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह है, ये फ़िक्र ही दर्स नहीं है बल्कि ये तरगीबी दर्स है। मैंने यहाँ मस्कत की सरजमीन पर कुछ मस्जिदों में कई सालों तक जुमा के खुतबात दिए और उन खुतबात में जब रमज़ान का महीना आता तो तमाम और इबादात, रोज़ा और कुरान करीम, नमाज के साथ ज़कात पर भी बात होती, तो अक्सर वो बेशतर मुझसे नमाज ख़त्म होने के बाद कुछ सवालात किए जाते, जिसे हम FAQ कहते हैं। उन सवालात की बुनियाद पर मैंने ये दर्स तैयार किया है ताकि हमको ये समझ में आए कि हम लोग ज़कात को समझते क्या है और ज़कात से बचने के लिए हम क्या क्या राहें इस्तेमाल करते हैं, और कुरान करीम में अल्लाह सुबहान तआला ने ज़कात को जिस अंदाज में पेश किया है उसे भी हमको समझने की ज़रूरत है। ज़कात न अदा करने पर अल्लाह सुबहान तआला ने कुरान करीम में क्या सज़ाएं तजवीज़ की है, इसका इल्म भी शायद इस उम्मत के एक बड़े हिस्से को नहीं। इसलिए ज़कात से बचने की पूरी पूरी कोशिश और इसी के साथ सामने पेश किया जा रहा है। हज़रत इकराम, अल्लाह सुबहान व तआला ने इंसान की तख्लीक एक जैसी नहीं की। ये जो पांच उंगलियां आप देख रहे हैं, इन ये पांच उंगलियां कोई मोटी है, कोई दुबली है, कोई लंबी है, इसी तरह इंसान भी, इंसानों की भी तख्लीक हुई है और उनकी तख्लीक में भी इस बात का ख्याल रखा गया है कि उन्हें जो रिस्क दिया गया है वो एक जैसा नहीं है। आप सोचिए कि अगर सबका रिस्क एक जैसा होता, सब मालदार होते, तो कोई किसी के काम नहीं आता। अगर मुझे किसी काम की ज़रूरत होती, किसी खिदमत की ज़रूरत होती, तो मैं अपने ही जैसे किसी इंसान को अगर बुलाऊं तो वो कहेगा कि भाई कि तेरा दिमाग ख़राब हुआ है, मैं क्यों तेरा आके काम करूं, मुझे तेरे पैसे की ज़रूरत नहीं है। ज़कात के इस हिकमत व मशीयत के साथ कि अल्लाह सुबहान व तआला ने इंसानों की किस्मत में जो रिस्क लिखा है वो किसी किसी को ज़्यादा दिया है, किसी को कम दिया है, लेकिन जिनको कम दिया है उन्हें हालात के भरोसे पे नहीं छोड़ दिया, बल्कि अल्लाह सुबहान व तआला ने जिनको ज़्यादा रिस्क दिया है उन्हें ये हुक्म दिया है कि अपनी आमदनी का 2.5% हिस्सा करके ज़कात की शक्ल में तो आपको लाजिमन देना होगा, और बाकी का जो आपका 97.5% बच जाता है उसमें से भी राह खुदा में सदकात की सूरत में, इन्फाक की सूरत में, खैरात की सूरत में, अतियात की सूरत में साल भर अदा करते जो है रहा जाए। हाज़िर इकराम, इस तरह अल्लाह सुबहान व तआला ने ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक इंतज़ाम किया।
अगर ये जरूरत नहीं होती, अगर हम नहीं पूरा करते तो इंसान क्या करता? किसी के घर में मैयत हुई है, उसको उसे दफन करना है और उसके तमाम जो रसूमात होते हैं वो पूरी करनी है, रिश्तेदारों का एक दम में गफीर आता है, उनको खाना खिलाना है, तो लाजिमन जब ऐसी आगहानी वाकयात होते हैं तो लोग जाकर किसी महाजन के, किसी साहूकार के देवड़ी पर अपना सर रगड़ते हैं, उससे किसी न किसी हालत में कर्जा हासिल करते हैं और फिर वो अपने मुर्दे की तस्वीर कर पाते हैं। और इसी तरह बेशुमार मौके ऐसे होते हैं कि जब इंसान को माल की ज़रूरत होती है तो उसे कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज कोई किसी को यूं ही नहीं देता, बल्कि उस पर जो है एक फिक्स रकम लेता है जिसे दुनिया सूद कहती है। अल्लाह सुबहान व तआला ने इस सूद के कहर से और इसकी हलाकत से इंसानियत को बचाने की कोशिश की कि लोग सूद पर कर्जा ना लें। अगर सूद पर कर्जा लिया जाता है तो माशरा तबाह व बर्बाद हो जाता है। इसकी बहुत सारी मिसालें हम रोज़ाना की ज़िंदगी में देखते रहते हैं। उस कमी को पूरा करने के लिए अल्लाह सुबहान व तआला ने ज़कात के एक सिस्टम को जो है नाफिज किया है। ज़कात सूद का दुश्मन है। अल्लाह सुबहान व तआला कुरान करीम में सूरह बकरा की आयत नंबर 276 में फरमाता है कि यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात। अल्लाह सूद का मुठ मार देता है और अल्लाह सदकात को बढ़ाता है। हाजिन कराम, ये इंफाक, ये ज़कात सिर्फ मुसलमानों पर फर्ज नहीं है, बल्कि अल्लाह सुबहान व तआला ने हर रसूल और हर उम्मत पर इन्फाक को फ़र्ज किया है। सूरह अंबिया की आयत नंबर 73 में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने पैगंबरों को इंसानों का पेशवा बनाया, वो हमारे हुक्म के मुताबिक लोगों की रहनुमाई करते थे, हमने वही के ज़रिए से उनको नेक काम करने और नमाज पढ़ने और ज़कात देने की तालीम दी और वो हमारे इबादत गुजार बनते थे। आपने देखा कि अल्लाह सुबहान व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले जितने नबी और रसूल वो गुजरे, तमाम पर किसी न किसी शक्ल में ज़कात को फ़र्ज किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी अल्लाह ताला ने और उनकी उम्मत पर ज़कात को फ़र्ज किया है। मैंने आपके सामने सूरह बकरा की आयात 1, 2, 3 तिलावत करने की सआदत हासिल की। अल्लाह सुबहान व तआला कुरान करीम में सूरह बकरा में फरमा रहा है, सूरह बकरा के पहले जो सूरा है वो हम जानते हैं कि वो सूरह हम्द है और सूरह फातिहा है। फातिहा का मतलब है खोलना, दिबाचा, प्रीफेस, यानी कुरान करीम का प्रीफेस जो है वो सूरह फातिहा है। सूरह फातिहा क्या है? 7 आयात पर मुश्तमिल सूरा है। इसकी 3.5 आयात में बंदा अपने मालिक की तारीफ करता है, उसकी हम्द बयान करता है, ताकि वो उससे कुछ मांगने का अपने आप में हौसला बुलंद करे। ये हौसला आने के बाद बंदा मालिक के सामने अपनी एहतियाज जो है पेश करता है। उसकी एहतियाज क्या है? एहदिना सिरातल मुस्तकीम, के अल्लाह तू मुझे सीधा रास्ता बता, वो रास्ता जिस पर तेरे पैगंबर चले, रसूल चले, शहदा चले, सिद्दीकीन चले, जो है सालिहीन चले, वो रास्ता मुझे बता, ताकि मैं शैतान के बहकावे में आकर उस सिरात मुस्तकीम को कहीं छोड़ न दूं। अल्लाह सुबहान व तआला इस दुआ के जवाब में सूरह बकरा से लेकर सूरह नाश तक बाकी के 113 कुरान करीम के सूरों का नुजूल फरमाता है। और आप देखिए, सूरह बकरा सूरह फातिहा के बाद नाजिल होने वाला ये दूसरा सूरा, इसमें जो है पहली ही 3 आयात में क्या बयान किया जा रहा है? अलिफ लाम मीम,
الفتات ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين, ये अल्लाह की किताब है और इसमें कोई शक नहीं, हुद लिलमुत्तकीन ये परहेजगारों के लिए हिदायत है, अल्लज़ीना यूमिनूना बिल गैब, ये परहेजगार कौन है, उनकी सिफात क्या है, ये वो लोग हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं, अल्लाह पर, उसके रसूल पर, पैगंबरों पर, उसकी किताबों पर, फरिश्तों पर, जन्नत और जहन्नुम पर और रोज़े आखिरत पर। और फिर आगे फरमाया वो युकीमून सलात, और जो नमाज को कायम करते हैं, बंदे और रब के बीच में जो फर्स्ट कांटेक्ट है, जो सीधा कांटेक्ट है, वो है नमाज। अल्लाह सुबहान व तआला जब बंदा रोज़े महशर अल्लाह के सामने पेश होगा तो सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। तो पहला हुक्म आया कि नमाज को कायम करो, और फिर फौरन दूसरा हुक्म आता है, हाजिर कराम अल्लाह सुबहान तआला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़कात को फर्ज किया। सूरह बकरा की आयत नंबर 143 में अल्लाह सुबहान तआला फरमाता है अकीमु सलात व आतु ज़कात व अरकबू मार राकईन, नमाज को कायम करो, ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। ये ज़कात का लफ्ज़ कुरान करीम में 32 मरतबा ज़कात नाम से आया, यही लफ्ज़ दूसरे नामों से आया है वो है सदकात 12 मरतबा, और इन्फाक फी सबीलिल्लाह 65 मरतबा कुरान करीम में आया है। अल्लाह सुबहानहु ताला की शान देखिए, उसकी मशीयत और हिकमत देखिए, जहाँ जहाँ अकीमुस सलात का जो है जिक्र आया, वहीं फौरन आतु ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात दो। हाज़िर कराम ये ज़कात किस पर फ़र्ज है? ये ज़कात हर आकिल अकल रखने वाले और आज़ाद मर्द और औरत पर फ़र्ज है। जो मर्द और औरत अकल से बहरामंद है और जो दिमाग नहीं रखते, जो जिनका शुमार पागलों में होता है और जो गुलाम हैं, उन पर ज़कात फ़र्ज नहीं है। ज़कात उस वक्त फ़र्ज हो जाती है जब बंदे के माल और जायदाद पर एक साल मुकम्मल हो जाए। ज़कात का निसाब ये कुछ बातें मैं बहुत ही मुख्तसरन आपके सामने यादे के लिए पेश कर रहा हूँ, ताकि आप अब तक जिन्होंने अपनी ज़कात नहीं निकाली, उसका हिसाब नहीं किया, वो फौरन अपना हिसाब कर लें। ज़कात का निसाब ये है कि 7.5 तोले सोना जिसके पास है उसे अपने सोने पर, अपने माल पर 2.5% ज़कात अदा करनी है, या उसके पास 52.5 तोले चांदी अगर हो गया है तो भी उसे ज़कात अदा करनी है। ज़कात किसे देनी चाहिए? अल्लाह सुबहानहु ताला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में फरमाया ज़कात के मुस्तहिकीन को गिनवाया, और वो मुस्तहिकीन वो गुरोह है फुकरा, नंबर 1 फुकरा, नंबर 2 मसाकीन, नंबर 3 आमिलीन, नंबर 4 मौलफतुल कुलूब, नंबर 5 फिर रिकाब, नंबर 6 गारिमीन, नंबर 7 फी सबीलिल्लाह, और नंबर 8 मुसाफिर। फुकरा जैसे कि आप जानते हैं फ़कर करने वाले, मसाकीन ये बेवाएं, यतीम, गरीब, ये तमाम मसाकीन में शामिल है, जिनको हम तहदस्त कहते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है। आमिलीन कहते हैं ज़कात के वसूल करने वालों को। मौलफतुल कुलूब जब कोई इंसान अपने पुराने मज़हब को छोड़कर नए मज़हब में आ जाता है तो उसे उस नई सोसाइटी में इस्टेब्लिश होने के लिए कुछ माल की ज़रूरत होती है, तो उसके रिहेबिलेशन के लिए जो खर्च आएगा वो ज़कात फंड से दिया जाएगा। ये है मौलफतुल कुलूब। फिर रिकाब ये गर्दन छुड़ाने के लिए कर्जदारों और
जिन पर कर्ज हुआ है उन्हें जो है उनसे आज़ादी दिलाने के लिए, इसी तरह गारिमीन है, इसी तरह फी सबीलिल्लाह अल्लाह के दीन की दावत को दुनिया में फैलाने के लिए, और इस दावत को फैलाने में जो लोग शहीद हो जाते हैं, जो इस दीन के की तरवीज के लिए, इसकी इशाअत के लिए अपनी जानों की बाजियां खेलते हैं, तो फिर उनके इंतकाल के बाद, उनकी शहादत के बाद उनके घर वालों की देखभाल भी इसी ज़कात फंड से की जाएगी। और आठवां ग्रोह है मुसाफिर। मुसाफिर वो लोग कि जो दूसरे शहरों में गए हैं, हो सकता है कि एक शहर में ये शख्स जो मुसाफिर है बड़ा अमीर कबीर हो, लेकिन जब वो दूसरे शहर में गया, उसका पॉकेट मारा गया, उसका माल चोरी हो गया, तो अब वो मिस्कीन बन गया है। उसे अपनी ज़रूरत के लिए या कम से कम उस किराए को हासिल करने के लिए कि जो उसके शहर तक जाने के लिए बनता है, किसी न किसी से हाथ फैलाकर मांगने की ज़रूरत होती है, तो ज़कात फंड से इसे दिया जाता है। हाजिर इकराम, मैंने ये वो आठ ग्रोह आपके सामने बयान किए जो ज़कात के मुस्तहकीन हैं। अब अल्लाह सुबहानहु ताला ज़कात न अदा करने पर मैं क्या सज़ा देने वाला हूँ, ये बयान करता है। सूरह तौबा की आयात 34 और 35 में अल्लाह सुबहानहु ताला की ज़कात न अदा करने पर सज़ा सुन लीजिए। अल्लाह ताला फरमा रहा है, जो लोग सोने और चांदी को जमा करके रखते हैं और उसमें से राह खुदा में खर्च नहीं करते, उनको दर्दनाक अजाब की खबर दे दो, उस दिन के अजाब की जब उनके उस सोने और चांदी को आग में तपाया जाएगा और उसे उनकी पेशानियों पर, उनके जबीनों पर, उनके पहलुओं पर और उनके पट्टों पर दाग आ जाएगा, और कहा जाएगा कि ये वो माल है जो तुमने अपने लिए जमा किया था, अब अपने इन खजानों का मजा चखो। हाजिन इकराम, ज़कात न अदा करने पर अल्लाह सुबहानहु ताला की तरफ से क्या सज़ा मिलने वाली है इंसानों को, इसका ख्याल कीजिए। वो लोग खौफ करें कि जिन्होंने अब तक अपने ज़कात का हिसाब नहीं किया है और ज़कात करने के लिए इनका दिल अब तक माइल नहीं हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उस इज्तिहाद को मैं आपके सामने बयान करता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का दौर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमा चुके हैं कि बहरेन के लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये खबर मिली, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी में खड़े होकर कहा कि मैं बहरेन के लोगों के खिलाफ जिहाद का ऐलान करता हूँ। इस पर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए और कहा कि अय अमीरुल मोमिनीन, बहरेन के लोग तो कलमा गो हैं, वो मुसलमान हैं, आप मुसलमानों के खिलाफ एक ज़कात न अदा करने पर आप उनके खिलाफ जिहाद करेंगे, आप किताल करेंगे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ताना दिया और कहा कि अय उमर, अय खत्ताब के बेटे, तुम तो दो दौरे जहालत में बड़े सुरमा बनकर घूमते थे और इस्लाम को ख़त्म करने की बात करते थे, जबकि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दीन को कायम करके जा चुके हैं, अब इस दीन को उखाड़ने की कोई कोशिश करता है, इसके किसी पिलर को तोड़ने की कोशिश करता है, तो मैं अबू कहाफा का बेटा अबू बकर उस शख्स के खिलाफ ऐलान जंग करता हूँ। कल मेरे साथ कोई इस जंग के लिए आए ना आए, कल का सूरज देखा गया देखेगा कि अबू बकर कहाफा का बेटा अकेला जिहाद करने के लिए बहरेन की तरफ रवाना है। हाजिर इकराम,
हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इज्तिहाद था, ये उनका जज्बा था दीन को बचाने के लिए, ताकि दीन ये जिन चार सतूनों पर नमाज रोजा रोजा हज व ज़कात इन पर खड़ा है, इसके किसी सुतून को कोई तोड़ने की कोशिश न करे। मैं अब आपके सामने वो दो अमर, वो दो काम जिस पर अल्लाह का गजब अपने शबाब पर नजर आता है, इन दो बातों के अलावा हमने कुरान करीम में इतना गजब इतना गुस्सा अल्लाह सुबहान व तआला का कहीं नहीं देखा। एक तो वो जिसका मैंने अभी ज़कात न अदा करने पर जो है सज़ा, सूरह तौबा की आयात 34 और 35 में मैंने आपके सामने इसका जिक्र किया। कुरान करीम में अल्लाह के किसी हुक्म को तोड़ने पर ऐसी सज़ा अल्लाह सुबहान व तआला ने कहीं नहीं सुनाई। और इसी के साथ अल्लाह सुबहान व तआला सूद का जो दुश्मन है वो है सूद। उस सूद के लेने पर देने पर, सूदी कारोबार करने पर अल्लाह सुबहान व तआला सूरह बकरा की आयत नंबर 279 में ऐलान जंग करता है कि मालूम हो कि जो लोग सूदी कारोबार करते हैं अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से ऐलान जंग है, हम उनसे जंग करेंगे, उन्हें खत्म करके रखेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे भाइयों बहनों, मेरी बेटियों मेरे बेटों, अल्लाह के रसूल सूद के बारे में कि सूद के लेने वाले पर, सूद के देने वाले पर, सूद का एग्रीमेंट तैयार करने वाले पर और उस एग्रीमेंट पर गवाह की हैसियत से दस्तखत करने वालों पर अल्लाह और उनके उसके रसूल की जानिब से लानत हो। हाजिर इकराम, इन बातों को आपके सामने गोश्त गुजार करने के बाद मैं आपके सामने सूरह बकरा की एक और आयत मुबारक का तर्जुमा पेश करता हूँ कि अल्लाह सुबहान तआला ने माल देने का हुक्म दिया, इसलिए कि जब तक इस सीने में ये सांस आ रही है जा रही है कि उस वक्त तक जो है आप इसकी अदायगी कर सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह ने जो माल दिया है उसे अल्लाह की राह में खर्च करो इससे पहले कि वो दिन आ जाए जब कोई खरीद फरोख्त होगी, जब न कोई खरीद फरोख्त होगी और न कोई सिफारिश और न कोई दोस्ती काम आएगी। ये कभी मत भूलो कि तुम हर लम्हा हर लहजा उस खुदाए हय्यू व कय्यूम की निगाहों में हो। हाजिर इकराम, हजरत शाह वलीउल्लाह दहलवी का एक कौल है कि भूखे पेट रब की इबादत नहीं होती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जब नमाज का वक्त है और किसी इंसान को भूख लगी है और प्यास लगी है तो थोड़ा सा कुछ खाकर प्यास अपनी भुजा कर फिर नमाज के लिए आओ, ताकि तुम नमाज अल्लाह के हुजूर में खुशू व खुजू के साथ अदा कर सको। अल्लाह को हाजिर व नाजिर जान कर अगर आपके पेट में भूख होगी, आपके गले में प्यास की शिद्दत होगी तो आप जल्द अज जल्द नमाज को पूरी करके उस रिस्क की तरफ भागने की कोशिश करेंगे जिसे आप खाने की मेज पर छोड़ कर आए हैं। इसलिए फरमाया गया कि पहले जो है अपने अपनी भूख और अपनी प्यास को बुझा लो तो बेहतर है। हाजिर इकराम, ये माशरे के मुस्तहकीन को जो कर्ज देना अल्लाह सुबहान तआला ने फर्ज करार दिया उसकी क्या वजूहत है? हमारे माशरे में बेवाएँ हैं, हमारे माशरे में यतीम है, फुकरा है,
मसाकीन है। आप गौर कीजिए, हमारे माशरे में कोई बेवा हो गई, उसका कमाने वाला उसका शोहर इस दुनिया से चला गया, अगर उसके सर पर कोई चादर नहीं डाल देता, उसकी किफालत का कोई इंतजाम नहीं करता, तो क्या होगा? उसके पेट की शिद्दत, उसकी भूख, उसके बिलबिलाते हुए बच्चों का रोना उसे देखा नहीं था। वो अपनी दहलीज को पार करके बाहर आएंगे, लोगों के सामने अपने दामन को पेश करेंगे, और लोग जब उसे देखेंगे तो लोगों की भूखी नजरें उसके बदन पर पड़ेंगी। लोग अपने जिस्म की आग को बुझाना चाहे उसकी मदद करेंगे बेशक, लेकिन उस वक्त जब उनकी आग बुझ जाए आगिन फिर वो दहलीज पार करके एक दिन आकर बाजार में बैठेंगी, पूरा माशरा खराब हो जाएगा, फसाद हो जाएगा, और हमने अपने घर को अब तक जो बचा के रखा था वो गंदगी, उस बेवा की हमने कोई किफालत नहीं की, उसके उस पर जो है हमने तरस नहीं खाया, तो अब वो गंदगी बनकर हमारे खुद के घरों में, हमारे घर के बच्चों में और नौजवानों में सरायत कर जाए। हमारे माशरे में यतीम बच्चे होते हैं, उनके सरों पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ फेरने के लिए कहा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं अब वो शख्स जो यतीम के सर पर हाथ फेरता है, उनकी किफालत करता है, जन्नत में ऐसे होंगे जैसे ये दो उंगलियां। अमीन कराम, यहाँ तक के फरमाया गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब किसी यतीम के सर पर आप हाथ रखते हैं तो आपके हाथों में जितने उसके बाल आते हैं उनकी तादाद जो है शुमार करके आपके खाते में लिखी जाएंगी। हाजिन कराम, वो यतीम बच्चा माशरे में पल रहा, उसकी आपने किफालत नहीं की, उसकी भूख को आपने नहीं मिटाया, तो क्या होगा? आज जब उसे भूख लगती है वो देखेगा कि ये बंगले वाले, ये बड़ी बिल्डिंगों में रहने वाले मेरे मांगने पर मुझे खाना नहीं, खाना मुझे उस वक्त मिलता है कि जब इनके घरों के नौकर बचा हुआ खाना लाकर कचरे की कुंडियों में डाल के तो मुझे उसमें से अच्छा खाना चुन चुन कर खाना पड़ता, इस तरह मैं अपनी भूख मिटाता। माशरे के खिलाफ ये गुस्सा, ये नफरत उसके सीने में पनपती, और जब अल्लाह सुभान व तआला उसको भी जो है बड़ा होने का मौका देता, जब वो जवान होता है तो ये नफरत एक लावा बनकर जो है समाज में उबल पड़ती है, और फिर हम देखते हैं कि यही बच्चे कोई डकैत बन जाता है, कोई चोर बन जाता है, कोई जो है लुटेरा बन जाता है, और माशरे में फितना व फसाद जो है फैल जाता है। हाजिन कराम, ये है वो बातें जिनके लिए अल्लाह सुभान व तआला ने जो है इस ज़कात को जो है और इंफाक की सबीलिल्लाह को लोगों पर फर्ज कर दिया। लोगों पर फर्ज करने के लिए अल्लाह सुभान व तआला ने कुरान करीम की आयत नंबर 92 में मुझे इतनी प्यारी आया मुबारक जो चौथे सिपारे की शुरुआत में अल्लाह सुभान व तआला ने बयान फरमाई, मैं कभी कभी सोचता रह जाता हूँ कि क्या फरमाया जा रहा और किस इबादत के लिए फरमाया जा रहा। लन तनालु जिर्रा हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेकी के मकाम को पहुंच ही नहीं सकते उस वक्त तक जब तक तुम अल्लाह की राह में वो खर्च ना करो जिसको तुम महबूब रखते हो, उस जिस माल को की हो तुम मोहब्बत से रखते हो, जिससे तुम मोहब्बत करते हो, उस माल को जब तक तुम अल्लाह की राह में खर्च ना करो उस वक्त तक तुम्हें नेकी के आला मकाम का सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता।
अधिनियम किसी और नेकी पर अल्लाह सुबहानहु ताला ने इस तरह बंदों को सर्टिफिकेट देने की बात नहीं की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق عياذ بالله. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ حدیث کے رسول کہ پوری کائنات پوری مخلوقات تمام انسان تمام جانور تمام حشرات الارض تمام پرندے ये मेरा कुंबा है, ये मेरा खानदान है और इन सब को मैं रिस्क देता हूं एक दूसरे के जरिए इंसानों की तरह। अर्जुन इकराम के शुरू में तकरीर के शुरू में मैंने आपके सामने बयान किया था कि सूरह बकरा की शुरुआत हुई अकीमुस सलात व आतुज ज़कात से। अकीम उस्सलात के जरिए अल्लाह सुबहान तआला ने बंदे को रब से जोड़ दिया, वो आतु ज़कात के जरिए अल्लाह ताला बंदे को बंदे से जोड़ता, बंदे की एहतियात बंदों के जरिए पूरा करता है। अल्लाह सुबहान तआला फरमाता है कि लोगों, तुम मेरे कुंबे का हिस्सा हो, तुम में जो मालदार है उनकी किफालत करेगा जो तुम में माशी तौर पर पीछे रह गए हैं, इसलिए कि तुम में की हर शख्स को संभालना, उनकी भूख को मिटाना, उनकी जरूरतों को पूरा करना, ये मेरा फर्ज है और ये मुझ पर वाजिब है। अगर ये फर्ज मैं अपने मालदार और जिनको मैंने माल दिया है उनके जरिए पूरा। एक और हदीस मुबारक में फरमाया गया, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि साइल की आस्तीन से निकला हुआ हाथ ये अल्लाह का हाथ है, ये मेरा हाथ आप देख रहे हैं, ये इस जो है आस्तीन में अब तक बंधा हुआ था, अब जब किसी के सामने फैलाना होता है तो ये हाथ इस तरह जो है सामने लाया जाता है। अल्लाह सुबहानहु तआला फरमाता है कि ये हाथ जो आपके सामने इस वक्त फैला हुआ है ये उस इंसान का हाथ, ये उस आस्तीन से निकला हुआ, ये मेरा हाथ है, तुम्हारा रब, तुम्हारा मालिक, तुम्हारा खाल, तुम्हारा राजी, तुम्हारे सामने हाथ फैला, इस हाथ को इनकार मत करो, इस हाथ को खाली मत लौटा, इसकी जरूरत को पूरा करो। आदमी ने कहा, अल्लाह सुबहानहु ताला क्या ये जो कुछ मांग रहा है ये अपने लिए मांग रहा है? फिक्र करने की जरूरत है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों। अल्लाह ताला कह रहा है कि मेरे हाथ पर रखो, उन मैं ये जो आप मुझे दोगे ये मैं उनको दूंगा जो जरूरतमंद है, जो मुस्तहकीन है, उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए भी। अल्लाह सुभान व तआला की शान करीम, अल्लाह सुभान व तआला सूरह बकरा की आयत नंबर 243 में अपने इस मांगने को अल्लाह ताला बंदों से मांगता है। बंदों से क्या मांगता है? अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 245 में फरमाता है कि तुम में कौन है जो अल्लाह को कर्जे हसना देता है ताकि अल्लाह उसे कई गुना बढ़ाकर वापस कर दे। घटाना भी अल्लाह के इख्तियार में है और बढ़ाना भी अल्लाह के इख्तियार में, और एक दिन तुम सबको उसी की तरफ पलट कर जाना। सामईन कराम, नाजरीन कराम, अल्लाह सुभान व तआला बंदों की जरूरत को पूरा करने के लिए
अपनी ही तकलीफ करदा बंदों से कर्जे हसनामा। क्या कल अल्लाह को हमारे कर्ज की जरूरत है? वो खालिक, वो मालिक कायनात जो अपनी आंख के अबरू को के इशारे से जमीन को हुक्म दे तो जमीन अपने अंदर की सोना चांदी हीरे जवाहरात सब निकाल कर सब उगल दे और दुनिया के हर इंसान की जरूरत को पूरी कर दे। लेकिन अल्लाह सुभान व तआला ऐसा नहीं कर। अल्लाह सुभान व तआला जो है बंदों की जरूरतों को बंदों से पूरा करता है, इसलिए कि माशरे में भाईचारा कायम हो, माशरे का एक हिस्सा माशरे के दूसरे हिस्सों को हिस्से को अपना मोहसिन समझे, अपना मददगार समझे। उस मोहसिन पर, उस मददगार पर जब कोई आफत आए, कोई मुसीबत आए, तो ये मुस्तहिकी जिसने जिसकी मदद की गई थी वो आकर अपने उस इंसान को जिसने उसकी मदद की थी वो उस मुसीबत में जो है उसे आकर राहत पहुंचाने के लिए खड़ा हो जाए। इस इंसान पर जिसने कर ज़कात अदा की थी, जिसने इन्फाक किया था, जिसने सदका दिया था, उसके सामने आकर अपने सीने को पेश करेगा कि गोली चलानी है, माशरे की तलवार अगर उठी है तो सबसे पहले मेरी गर्दन हुई और उसके बाद मेरे मौसम की गर्दन। ये है वो जज्बाए मसावात, जज्बाए भाईचारगी जो अल्लाह सुभान व तआला लोगों में पैदा करना चाहता है ताकि सोसाइटी को दबाव मिले, सोसाइटी को मजबूती मिले, सोसाइटी में जो माली नामसावात है इसका खात्मा हो जाए। हाजिन इकराम, जब मस्जिद नबवी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह बकरा की ये आयात पेश करते हुए, तो ऐसे ही किसी मौके पर हजरत अबू दहदा ये खड़े हो गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, अल्लाह के रसूल आपने अभी कहा कि अल्लाह हमसे हमारे माल का सौदा करना चाहता है जन्नत के सामने, कि अगर हमने हमारे माल को कुर्बान कर दिया अल्लाह हमको जन्नत नसीब कर, ये लीजिए आपका हाथ, ये मेरा हाथ है, मैंने अपने बाप को उसमें रहते मकान के साथ अल्लाह की राह में जो है इन्फाक कर दिया। ये कहकर हाथ छुड़ा कर निकलते हैं और अपने घर के बाहर बाहर बाग के बाहर जाकर खड़े होते हैं, बाग की फसील को मुंढेर को उसको भी उबूर नहीं करते और आवाज़ देते हैं कि ऐ बेगम आप बाहर आ जाइए, जिस कपड़े में है उसी कपड़े में जो है आप घर को छोड़कर आ जाइए, मैंने आज से इस पूरे बाग को और इस घर को और इस घर में जो जो सामान है उन सब सामानों को अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। ये सहाबा अजमैनी का जज्बा था। हाजी मित्रा, अल्लाह सुभान व तआला खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का जज्बा इन्फाक के बारे में अक्सर और बेशतर हमारे जैसे मुदर्रिसीन और जो है खुतबा देने वाले बार बार आपके सामने जो है इसका तस्करा करते रहते हैं कि जब जंग तबूक का मौका था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफीर आम का ऐलान कर दिया कि इस जंग के लिए बहुत बड़े माल की ज़रूरत है, तो तमाम सहाबा अजमईन ने लाकर अपने माल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ढेर कर दिया। हजरत फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं और अपने माल को जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखते हैं। हजरत फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा जाता है कि उमर क्या लाए, तो अल्लाह
तो खलीफा दुआ फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास जो माल था उसमें से उसको मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है, एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए छोड़ा और एक हिस्सा मैंने उम्मत के लिए लाकर आपके सामने ढेर कर दिया। सबसे आखिर में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं और अपना माल लाकर जो है उस ढेर पर डाल देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, आया अबू बकर, क्या लाए? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल, आपका हुक्म था कि नसीर आम है, एक बहुत बड़ी जंग हमारे सामने और उसके खर्च के लिए माल चाहिए, इसलिए मैंने अपने घर में झाड़ू फेर दी और घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल के नाम को छोड़ा और जो कुछ था वो इस चादर में लपेट कर लाकर आपके कदमों पर ढेर। हाजिर अकराम, ये है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के इंफाक। मैं आपके सामने बयान कर रहा था कि लोग मुझे जुमा के खुतबे के बाद जब नमाज ख़त्म हो जाती है तो मुख्तलिफ जो है सवालात करते हैं और खासकर ज़कात इंफाक सदकात के मामले में बहुत ही अजीब व गरीब सवाल करते हैं। और जब मैं लगभग 50 किलोमीटर दूर जाया करता था उस मस्जिद में, जब मैं वापसी में होता तो वापसी के सफ़र में उन सवालात पर गौर करता तो उसका नक्शेल क्या है, उसका माहसल क्या है, उन लोग कहना क्या चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं। तो जो मेरी बात समझ में आती वो ये कि वो ये मुझसे सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं कि वो ज़कात के मुस्तहिक, जो ज़कात का निसाब उन पर लागू नहीं होता और वो जो कुछ कर रहे हैं उसकी मैं हामी भरूं। एक मिसाल आपके सामने, एक शख्स आकर मुझे पूछता है कि मेरे पास लगभग 22 तोले के करीब में सोना है। तो मैंने कहा आप पर लगा दिया आजबाजी हो गई, तो कहा कि नहीं, मेरी एक बीवी और दो बेटियां हैं, बेटियां आधी छुपन वाला, आपकी बेटियां तो बहुत छोटी है। तो कहा वो तो कल बड़ी होगी ना, तो मैंने अभी से उस सोने को उन तीनों में तकसीम कर दिया है ताकि वो सबके पास 7.5 तोले सोने से ज्यादा जो है मालियत का उनके पास सोना रहा। तो फिर मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी गुस्सा आ सकता है और जब दीन की कमियत का मामला हो तो ज़रूर जो है चरपा लगता था कि ये जो तुम कुछ मुझसे पूछ रहे हो, तुम्हारे दिमाग ने तो ये सर्टिफिकेट दे दिया कि मेरे किसी भी मेरे घर में रहने वालों के पास 7.5 तोले सोना नहीं, फिर ये आके मुझसे क्यों पूछ रहे हो? नहीं, मैं दिल की शांति के लिए, तुम दिल की शांति के लिए नहीं पूछ रहे हो बल्कि तुम मुझ जैसे किसी खतीब से एक सर्टिफिकेट लेना चाहते हो ताकि तुम बाकी का अपना पूरा साल इत्मीनान से गुजार सको। कि मुझ पर ज़कात वाजिब नहीं थी इसलिए मैंने ज़कात नहीं। हाजिर इकराम, हम ज़कात न देने के लिए किस किस तरह हम कोशिशें करते हैं, कि क्या कर रहे हैं हम? अल्लाह सुबहान व तआला के साथ खेल कर रहे हैं, उस हयों कयों को जो इस दिल में वसवसे उठते हैं उसको भी जानता है कि यहां क्या खुदबुद हो रही, उसको हम धोखा देने की कोशिश। मेरे भाइयों, मैं सूरह बलद की वो आयात आपके सामने तिलावत करना चाहूँ। अल्लाह सुभान व तआला, इंसानों के पास एक शख्स ने उससे आकर ये भी कहा कि हजरत, मेरे पास 7.5 तोले सोना
और 52 तोले चांदी वगैरह तो नहीं, मेरे पास कुछ थोड़ा सा माल है, क्या मैं उसमें से खर्च कर सकता हूँ? मैंने कहा, भाई मेरे, अल्लाह ने 7.5 तोला सोना और 52 तोला चांदी की जो कैद लगाई है, ये कैद ये जरूर है, आप पर फर्ज है, इसके लिए लगाई है। लेकिन अगर आपके पास कम माल है, उसमें से आप ज़कात देना चाहते हैं, तो आपको मना नहीं किया गया, बल्कि आपको मजीद दर्जात दिए जाएंगे, आपको कई गुना सवाब जो है मिलेगा। आइए देखिए सूरह बलद में अल्लाह सुबहानहु तआला ने इसे किस तरह बयान किया। अल्लाह ताला सूरह बलद में पहले इंसान पर किए गए अपने एहसानात को गिनाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, अलम नजअल लहु अन्नैन, ऐ इंसान क्या हमने तुझे दो आंखें नहीं दी? वो निसार न वो शफत है, और हमने तुझे एक जबान और दो होंठ नहीं दिए? वो हदय ना हो नजदे, और क्या हमने तुझे जिंदगी गुजारने के लिए दो रास्ते नहीं बताए? जिंदगी का एक रास्ता वो था जिन पर नबी चले, रसूल चले, सिद्दीकीन चले, शुहदा चले, और वो रास्ता आकर मुंतज होता जिसकी इंतहा होती कहाँ पर? जहाँ जन्नत मावा है, और उसी के साथ हमने तुझे इख्तियार दिया कि या तो तू नफ्से मुतमईना की बात मानकर इस रास्ते पर चल, जो रास्ता बजाहिर तो जरा कठिन है, जो जन्नत की तरफ जाता है, जिसमें 5 वक्त की नमाज भी है, जिसमें रमजान के 30 रोजे भी हैं, जिसमें तुझे जकात भी अदा करनी होगी, जिसमें तुझे हज व उमरा भी करना होगा, ये घाटी थोड़ी कठिन घाटी है, जिसमें हम लोगों के कर्जों को अदा करने के लिए भी जो है हुक्म देते हैं, ये वो घाटी है जिस पर चढ़ने के बाद हम यतीमों और मिस्किनों को खाना खिलाने के लिए भी जो है तरकीब देते हैं, और एक दूसरी घाटी आसान है, ये है शैतान के बताए हुए रास्ते की तरफ जाती है, और ये नीचे की तरफ जाती है। हज़रत कराम, वो हदय ना हो नजदेन, आगे अल्लाह ताला अब फरमा रहा है, फलक तहमल अकबा, क्या है वो दुश्वार गुजार घाटी जिससे गुजरने की और जिस घाटी पे चढ़ने की तूने हिम्मत नहीं की? महादरा का मन अकबा, और तुम क्या जानो कि वो दुश्वार गुजार घाटी क्या है? पक्कु रकबा औ इत्आमुन फी यौमिन ज़ी मस्गबा, यतीमन ज़ा मक़रबा औ मिस्कीनन ज़ा मत्रबा। वो दुश्वार गुजार घाटी किसी गर्दन को गुलामी से छुड़ाना, किसी आका के पास कुछ गुलाम है तो उन गुलामों को आज़ादी देना, यानी आज के दौर में जो लोग कैद हैं और जिन पर जुर्माना भरने के लिए जिनके पास पैसे नहीं है, ऐसे कैदियों को कैद खाने से छुड़ाना, या अपने घर में जब फाका होने वाला, अल्फाज को सुन लीजिए मेरे भाइयों, आपके घर में 50 रोटियां अल्लाह ताला ने हुक्म दे रहा है कि उन 50 उनमें से तो जरूर आप अदा करोगे, लेकिन जिस दिन आपके घर में फाका होने वाला है, 4 इंसान खाने वाले हैं, 2 रोटियां है, अल्लाह सुब्हानहु ताला फरमाता है कि जिस दिन आपके घर में फाका होने वाला है, उस दिन कोई करीबी यतीम, कोई मिस्कीन आपके घर का दरवाजा खटखटाता है कि मैं भूखा हूँ, मैं साहिल हूँ, मैं यतीम हूँ, मैं आपका रिश्तेदार हूँ, इस मेरे कटोरे में कुछ डालिए, मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया। तो अल्लाह आपको हुक्म देता है कि उन 2 रोटियों में से उस
यतीम की उस मिस्कीन रिश्तेदार की किफालत कीजिए, उसे भी दीजिए अपने पेट को काटकर, अपने बच्चों के पेट को काटकर। राम, ये है उन नेगेटिव सवालात पूछने वालों का जवाब जो कुरान करीम खुद देगा। अल्लाह सुभान व तआला ने लोगों की मदद करने के लिए हम साहेब ज़कात हैं तो ही हम मदद करें, किसी कोई शर्त नहीं लगाई। जब आपके पास माल है, कोई साईं सवाल करता है, आप जानते हैं कि वो हकीकत मन वो जरूरतमंद है, हकीकी तौर पर वो सच्चा है, उसकी मदद आप कीजिए। अगर आप जानते भी नहीं है तो उसका ईमान उसके साथ, उसके हाल, उसके खाली हाथ पर कुछ रख दीजिए। हाजिर कराम, अगर हम ये सब नहीं करते तो मेरे भाइयों, मैं तो एक गुनहगार इंसान जो सुबह से लेकर अपने सोने तक न जाने क्या क्या गुनाह करता हूँ, अल्लाह के किन किन अहकाम को करता हूँ, मेरी किसी बात का एतबार नहीं है। गुरे मुनाफिकून की आखिरी आयात एक हुज्जत के तौर पर अल्लाह ताला बंदे के सामने पेश करता है। उन आयात को पेश करके मैं अपने दर्स का इख्तिताम करना चाहता हूँ। आप सुनिए, अल्लाह ताला इस इबादत को जिसे उसने कुरान करीम में सदका का नाम दिया, ज़कात का नाम दिया, इन्फाक फी सबीलिल्लाह का नाम दिया, क्या फरमा रहा है। और ये वो आयात हैं जब सूरह मुनाफिकून को कोई खुश आवाज और तारी अच्छे लहन के साथ फजर की नमाज में पढ़ता है तो हज़रत इकराम गुनहगार ने देखा कि कई जो है नमाजी इमाम पढ़ता जाता है और नमाजी जो है पिछकिया लेकर जो है धोने लगते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है वो अनफिकु मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत फयकूल रब्बी लौला अख़्खरतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ा अकुन मिनस सालिहीन। अल्लाह ताला एक शख्स का किस्सा बयान कर रहा है जो करीबुल मौत है, मौत का घरघरा शुरू हो चुका है, आलमे नज़ा में है। तभी आँख खुलती है तो अपने रिश्तेदारों को देखकर जो है रोता है, आंसुओं की धार बंद नहीं होती, फिर वो नज़ा के आलम में चला जाता है। उस वक्त अल्लाह ताला फरमाता है उसकी एक ख्वाहिश होती है, वो एक बात सोचता रहता है। क्या वो सोचता है? अल्लाह ताला फरमाता है कि जो रिस्क हमने तुम्हें दिया है लोगों, उसमें से खर्च करो इससे पहले कि तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाए और वो उस वक्त ये कहे कि ऐ मेरे रब, क्यों ना मुझे तूने थोड़ी सी मोहलत और दे दी होती ताकि मैं सदका करता और नेक लोगों में शामिल हो जाता। अल्लाह ताला उसे जवाब देता है तो मैं यो आखिर लाओ नफ्सा निजा जाज रूहा तो लाओ खबीर उम्मी माता अमल। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब किसी की मोहलत अमल इस दुनिया में जीने की मुद्दत खत्म हो जाती है तो अल्लाह उसे हर किस मोहलत नहीं देता, और जो कुछ तुम इस दुनिया में कर रहे हो अल्लाह उससे अच्छी तरह बाखबर। नाज़रीन कराम, आपसे एक छोटा सा सवाल है,
ये जो आया मुबारका मैंने आपके सामने तिलावत की, उसमें बंदा मरने के वक्त आखिरी इबादत क्या करना चाहता है? बंदा मरने के वक्त जब अल्लाह से मुलाकात का उसका वक्त अटल आ चुका, अब दुनिया की कोई ताकत उसे अल्लाह से मिलने से रोक नहीं सकती, उस वक्त में बंदा सिर्फ अल्लाह सुभान व तआला से ये चाहता है कि या अल्लाह, ऐ रब्बे कायनात, ऐ मेरे मालिक, तेरे ही सामने मुझे आकर अपनी नेकी और बदी का हिसाब देना है। मैं मुझे थोड़ा सा वक्त दे ताकि मैं सदका करूं, मैं इंफाक करूं, मैं राय खुदा में तेरे माल को खर्च करूं। वो इस वक्त नमाज पढ़ने की बात नहीं कर रहा, इस वक्त वो हज को जाने की, उमरा को जाने की बात नहीं कर रहा, वो इस वक्त सदका देने की बात कर रहा। अकराम, ये है वो गुजारिश आप जो ज़कात और इन्फाक की सबीलिल्लाह के ज़िमन में मैंने आपके सामने रखी। एक आखिर में हजरते उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफ़े दुवम का वो एहसास आपके सामने पेश करता हूँ जो उन्होंने फरमाया कि लोगो, अगर दरियाए दजला के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो उमर को ये डर है कि कहीं अल्लाह सुबहानहू ताला उसके भूखा मरने पर भी मुझसे कहीं हिसाब न मांगे। शायर ने फरमाया, करो मेहरबानी तुम अहले जमीन पर, खुदा मेहरबा होगा अरशे बरी पर। तो आखिर दावाना अनिलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ के लिए हाथ उठाइए। इन अल्लाह मलाइकतु यसल्लून अलै नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन वअला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا وما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.